हीरो नंबर वन गोविंदा। गोविंदा जी एक ऐसे कलाकार है जो अपना काम तो अच्छे से करते ही है, ऐसे ह्यूमन भी बहुत अच्छे हैं। ये मैं पर्सनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, जो पर्सनली मैंने खुद जाना है। आपको भी पता है मैं गोविंदा जी के साथ काफ़ी काम कर चुका हूँ, मैंने पर्सनली उनको देखा है, पर्सनली उनकी लाइफ के साथ मैं मतलब काफ़ी टाइम मतलब पूरे दिन दिन आठ आठ नौ नौ घंटे कंटिन्यू उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ ट्रैवल किया हूँ, उनके साथ शोज किया हूँ। पूरी लाइफ मतलब उनकी पूरी की पूरी जितना मैंने टाइम बिताया उसमें मैंने ये देखा कि इंसान ऊपर जब चढ़ता है या नीचे चढ़ता है उनकी लाइफ में मैंने कोई ऐसा डिफरेंस नहीं देखा। वो सबके साथ सेम रहते हैं, छोटे से छोटा आदमी भी उनको मिलने आता है, बड़े से बड़ा आदमी भी उनको मिलने आता है। सबका समतोल रखना अगर किसी आर्टिस्ट को से सीखना है तो मैंने गोविंदा को अभी तक ये देखा है कि भाई मतलब मैं सॉरी बोलता हूँ उनको, गोविंदा सर हमेशा हमेशा मैंने देखा है कि सबके साथ सेम रहते हैं। जब मैं नया नया था, जब पहली बार उनके पास गया था, मैं सिखाया दो चार घंटे हमारा रिहर्सल हुआ, उनके घर में ही मैं गया था बंगलों में, तो वहाँ सिखाया विखाया, फिर खाने का टाइम हो गया तो उन्होंने मुझे याद है आज भी, तो उनकी वाइफ है सुनीता जी, तो उनको बोला था कि नहीं गणेश भी आया हुआ है, तो उनकी वाइफ को भी पता है नाम कि गणेश करे कोई गुरा रफर है जो पहली बार आ रहा है, तो फिर भी मतलब और फिर उनके लिए भी थोड़ा खाना दोनों के लिए भेजना, तो बहुत ही मिलन मिसार टाइप के हैं। और मैंने कई बार देखा उनको फैन, मैं एयरपोर्ट उनके साथ गया, होटल उनके साथ गया, बाहर उनके साथ गया, कभी उनको कहीं पे उनके घर पे कई बार गया, तो फिर रिहर्सल जब करते हैं हम डांस की और वो डांस से बहुत पैशनेट है, और मैं क्या सिखाऊँ, मैं तो अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ उनके सामने एज एन डांसिंग, तो ऑफकोर्स क्योंकि डांस के लेजेंड बोला जाता है गोविंदा, तो मैं जब सिखाता था फिर भी मेरे से चार चार पाँच पाँच घंटे सीखते थे कि वो स्टेप प्रॉपर कैसा है, ही इज़ अ रियल आर्टिस्ट। और उसके बाद कई सारे फैन घर पे आते थे मिलने, तो मिलने आते तो बहुत अच्छे से मिलते थे, काफ़ी प्रॉपर टाइम देते थे, फोटो खींचना है खींच ले, अच्छा नहीं हुआ कभी आते हैं ना सर ये अच्छा नहीं हुआ वापस, तो पूरा का पूरा एतवाज देते। ऐसे ही गोविंदा जी का एक डुप्लीकेट मिला उनको एयरपोर्ट पे, मैं ये बहुत पहले बनाना चाहता था वीडियो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पूरा एक आपको बता दूँ गोविंदा जी के बारे में। और ये भी है कि वहाँ वो जहाँ पे मिला जैसा वो डुप्लीकेट आया उनको कितने अच्छे से बिहेव किया उन्होंने, आपने देखा ही होगा वीडियो में। और इसके बाद भी उनकी वाइफ तो ये बोल रही थी कि अरे ये तो कमाल हो गया, तो रियल में वो गोविंदा जैसा ही दिखता था। ऐसे गोविंदा जी के बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं लेकिन रियल में स्टार को कोई क्या होता है, हम स्टार को रेगुलरली नहीं मिलते, जो लोग स्टार के फैन होते हैं डाई हार्ड फैन, संजय दत्त के बहुत सारे फैन हैं, सुशांत सिंह राजपूत के बहुत सारे फैन हैं, सलमान खान के बहुत सारे फैन हैं, गोविंदा के बहुत सारे फैंस हैं, वो उनके जैसा बिहेव करते हैं लेकिन जिंदगी में दो या तीन बार वो मिलते हैं। लेकिन क्या ये स्टार लोग उनके अहमियत जानते हैं? सुशांत जानता था, गोविंदा जी वो जानते हैं कि नहीं यार ये तो एक दो बार मुझे मिलेगा क्योंकि ये डिस्कस मेरे साथ हुआ, अरे वो तो मुझे बेचारा पता नहीं कब से मिलने की कोशिश कर रहा था, आज मुझे मिला होगा, तो अगर मैं उतना भी टाइम ना दे दूँ तो मैं किस टाइप का इंसान हूँ? मतलब वो प्रॉपर उसको टाइम देते हैं, वो जिंदगी भर उसको याद रखेगा क्योंकि जिंदगी भर उसने पहले उसको बिना मिले उसको एक अपना भगवान की तरह मान लिया या फिर आर्टिस्ट मान लिया या इसका फैन हो गया। और बड़ी नॉलेज की बातें करते हैं गोविंदा जी, मतलब शास्त्रों की और बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको, और ये सारा नॉलेज वो हमेशा श्रेय देते हैं अपनी माता जी को। तो बहुत मतलब मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं जिंदगी में मैंने उन लोगों के साथ काम किया जो वाकई में रियल में अच्छे आर्टिस्ट है, सुशांत सिंह राजपूत हो, गोविंदा हो, ऋतिक रोशन हो, तुषार कपूर हो, ये मैंने देखा है कि ये रियल में अच्छे इंसान भी है, जस्ट नॉर्मली ये कोई न्यूज़ नहीं है, एक अच्छे इंसान की एक बस बोलने वाली बात है। भगवान ने मुझे बहुत लकी बनाया कि पूरे बॉलीवुड में चार ऐसे आर्टिस्ट जो वाकई में बहुत अच्छे हैं उनको मुझे मिला है, शायद मैं इन लोगों को जानता हूँ इसके लिए मैं इनको समझ पाया, और भी शायद होंगे, लेकिन हाँ सुशांत सिंह राजपूत, गोविंदा, ऋतिक रोशन, तुषार कपूर, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत, मैंने देखा कि ये रियल में अच्छे इंसान भी है। और एक अच्छा आर्टिस्ट अगर अच्छा इंसान नहीं है, बोला जाता है ना आप जो भी बनो ठीक है लेकिन अगर आप अच्छे इंसान ही ना हो तो फिर कुछ फायदा नहीं। तो बस मुझे आपको ये बोलना था कि एक आर्टिस्ट के अंदर वाकई में बहुत अच्छा सॉफ्ट दिल होता है और तभी तक वो अच्छा आर्टिस्ट रह पाता है। और आज भी अगर देखा जाए तो इनका मुकाबला नहीं है दुनिया में। नो वन कैन डांस लाइक गोविंदा, नो वन कैन डांस लाइक सुशांत, नो वन कैन डांस लाइक ऋतिक, नो वन कैन कॉमेडी लाइक गोविंदा। आज का भी कोई ये नहीं है, सब खान वान जितने भी लोग हैं
कॉमेडी में आज भी हाथ नहीं पकड़ सकता कोई गोविंदा का, ये आपको भी पता है, लेकिन उन्हीं के साथ नेपोटिज्म हो के पता नहीं क्या क्या होगा। चलिए ये बात मैं यहाँ करना नहीं चाहता था गोविंदा जी के लिए, क्योंकि ये मैं पर्सनली सर को भेजूंगा कि सर गोविंदा जी को कि वाकई में आपके फैन है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं इसमें बताते रहूँगा।